फाइनली ये डॉग अब अपने पास रहने वाला है, अब ना ये हमारा हो गया। एक आंख पत्थर की है, दूसरी आंख नॉर्मल है। रोकी को पहली बार घर लेके आ गए। अभी रोकी भाई देख के हमें पूछ तो हिला रहा, बट थोड़ा सा बस ये डर लग रहा कि कभी अटैक कर। ये देख लो भाई साइकिल को कैसे खींचे ले जा रहा रोकी। Hey guys, welcome back with a new vlog, और आप देख रहे हैं CH चुपी के vlog। दाब को अजीनो को लूसी ने दाब रखा और व्यू ने दाब रखा। ओए ओ भाई, व्यू की पूछी ले ली लूसी ने। चे ओ भाई रुको, अगर पीको ने चाहना तो एक बुड़के में लूसी को पूरा खत्म कर देगा। ऊपर चढ़ के दाब को अजीनो भी भौंक रही। दाब को अजीनो का भी मन कर रहा है ऊपर से कूदने का, इन्हें पकड़ने का। ओए 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 गाइस, अभी शाम हो गया है और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सरप्राइज क्या है, सरप्राइज क्या है। तो आप लोगों के सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बाइक का सरप्राइज होने वाला था, लेकिन गाइस अपनी जो बाइक है वो हम अभी नहीं ले रहे हैं। अबे साले, उससे भी बड़ा और खतरनाक तगड़े वाला सरप्राइज है। इस सरप्राइज को हम अभी लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि सरप्राइज ये है कि हम ना एक नया डॉग ले रहे हैं और वो भी बहुत खतरनाक वाला डॉग है। गाइस उसे लेने की क्या रीजन है, क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो चलो गाइस अभी लेने के लिए चलते हैं। इस सरप्राइज को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही थी और सरप्राइज ना बहुत ज्यादा कैड आया है। कैसा है वो सरप्राइज? जो अपने गैंग के खपिट रहे हैं उन्होंने तो सरप्राइज देख भी लिया, उनको तो एक नंबर का लग रहा है। और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। आप लोगों को ये सरप्राइज कैसा लगेगा प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना, सजेशन जरूर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। गाइस अभी अपने गैंग के खपिटर भी आ रहे हैं और सरप्राइज इनके सामने है, तो इनसे ये पूछते हैं कि सरप्राइज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों? पहले भी था यही। तू बता क्यों? क्यों पहले सारी पोली खोल दी तुम लोगों को बताने से पहले। तो फाइनली मैं आप लोगों के सामने वो सरप्राइज रिवील करने जा रहा हूँ जो सरप्राइज इतने दिनों से सस्पेंस में था। गाइस फाइनली ये है सरप्राइज जो आप लोगों के सामने इतने दिनों से नहीं आ रहा था, तो ये सस्पेंस भी क्लियर हो गया। ये जो ओड आइज वाला रोकी है आप लोगों ने पहले भी हमारी वीडियो में देखा होगा। फाइनली ये डॉग अब अपने पास रहने वाला है, अब ना ये हमारा हो गया। ओए होए आते इसने पूछी भी ले दी। और गाइस इसे लेने का रीजन सबसे बड़ा ये है, एक तो ये फ्रेंडली है, पीकू के साथ तो भाई इसकी लगी हुई है दुश्मनी, बट एक चक्कर ये भी था। गाइज ये ना पहले तुमने देखा होगा जब हम गए थे मिलने के लिए, ये इसके मामा के जा रहा था, उसके बाद ये एक जगह और गया, वहां भी नहीं रखा गया उनसे, इसके मामा के वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वहां भी नहीं रखा गया। अब ये गांव में आ रहा था और भाई का मन भी कर रहा था इसको देने का, क्योंकि भाई के पास ये टाइगर नाम का डॉग है, तो भाई इसका मन कर रहा था कि इसको मैं दे दूं, क्योंकि इसके पास एक डॉग ऑलरेडी हो चुका था। तो भाई ये ना पहले इसके मामा के वहां गया, वहां पे नहीं रहा, फिर इसके दोस्त के वहां गया, वहां पे नहीं रहा, अब फाइनली ये ऐसे ही घूम रहा था। तो भाई तुम्हारे भाई का भी मन करा, क्योंकि अपने जो गैंग के खपिटर है ना सब ये कह रहे थे कि हाँ भाई इसको रख लो रख लो रख लो। बताओ भाई रख लूँ? बस दिल तो बताओ। हाँ। मम्मी कसम खा के बता। मम्मी कसम क्या रख लो? मम्मी कसम रख लो, मम्मी कसम रख लो, एकदम बेस्ट है भैया रख लो, एक नंबर रख लो बिल्कुल। ये पहले भी था, फ्रेंडली है, जाने में। तो गाइस सब कह रहे हैं क्योंकि ये ना अपने साथ पहले भी रहा है, अपने साथ यही मतलब मौज मस्ती करी है इसने, तो इसलिए हम इसे रख रहे हैं अपने पास। तो ये अब ना भाई हमारे पास रहेगा, हमारे घर रहेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होने वाली है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि रोकी की और पीकू की दोस्ती नहीं है भाई, दुश्मनी है। अब उस दुश्मनी के लिए भाई थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और दूसरा कारण ये भी है कि भाई ये डॉग हम इसलिए भी अपने पास ले रहे हैं क्योंकि ये ना अब ऐसे थोड़ा सा मतलब परेशानी में रहता, कभी उधर जा रहा कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, तो अभी अपने पास रहेगा, अपने गैंग के खपीटरों के बीच में रहेगा, सबको ये जानता भी है। क्या रीजन है इसे देने का बताओ? रीजन तो कुछ नहीं है, बस रीजन यही है मैं इधर दूसरा हो गया, बस ये राख नहीं सकता मैं दो को। तो गाइस जब भाई ने बोल दिया है तो अब ये भाई रोकी अपने पास रहेगा, अपने घर में रहेगा। यही सस्पेंस था, यही सरप्राइज था। आप लोगों को सरप्राइज कैसा लगा प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज ना रोकी को अपने घर लेके जाने वाले हैं, आज अपने घर जाने वाला है रोकी। अब तुम्हें मैं रोकी की खूबियां बताता हूँ, कमी बाद में बताऊंगा, खूबी पहले बताता हूँ। खूबी तो ये है कि इसकी एक आंख अलग है और इसकी दूसरी आंख अलग है, देखने में ऐसा लगेगा कि एक आंख ओए ओए एक आंख पत्थर की है, दूसरी आंख नॉर्मल है, बट इसकी दोनों आंखों को चमकता है, ये दोनों आंखों से देख सकता है। और दूसरी बात ये है भाई पिटबुल की क्वालिटी में ऐसा डॉग तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतना खतरनाक लुक देख लो भाई, कितना ज्यादा खतरनाक है। तो मैं इसके खतरनाक खतरनाक कारनामे भी दिखाने वाला हूँ। ये ना भाई किसी एक आदमी पे तो रुकता भी नहीं है, मतलब कि अगर पावर लगाने पे आ जाए ना तो रोक भी ना सकते इसे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली बात ये है इसकी ना, इसका ना पीकू के साथ पंगा है। अब पीकू के साथ इसका पंगा है तो भाई थोड़ा सा घर में कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। अगर पीकू के साथ इसकी बच गई ना, लड़ाई होने का कारण भी बताता हूँ तुम्हें क्या था। जब पहले अपने पास कल्लो थी ना उस टाइम पे अल्फा और पीकू तीनों की झड़प हो गई थी इसके साथ, तो तीनों ने मिलके ना इसकी गैल लड़ाई कर दी थी, और लड़ाई में क्या हुआ था भाई इसके साथ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से इसके दिमाग में भी दुश्मनी है और उधर से पीकू के दिमाग में भी दुश्मनी है। अगर ये दोनों आमने सामने होंगे तो भाई इनकी लड़ाई पक्का बच जाएगी, और एक घर में रहने वाले हैं दो दुश्मन,
अब इन दोनों को भाई मेरे को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। इसे रखने का कारण यही है बस कि हम नहीं चाह रहे थे, हमारा पूरा गैंग भी नहीं चाह रहा था कि ये कहीं हमसे दूर जावे। दूर चला गया था, सब पूछ रहे थे, फिर सब कह रहे थे कि भाई वो कहाँ है। आप लोगों को भी कमेंट आए थे कि भाई रोकी कहाँ चला गया, रोकी कहाँ चला गया। तो फाइनली रोकी अब अपने पास रहने वाला है, यहीं अपने घर में। आज रोकी की एक खूबी है, इसे भी भाई नहर में नहाने का फुल शौक है। और नहर में अगर तुमने नारियल फेंक दिया या फिर कोई डला फेंक दिया, पूरा पागल हो जाऊंगा। सेम टू सेम पीकू वाली हरकतें हैं इसकी, बस पीकू के साथ दुश्मनी होगी। जब उस टाइम पे आया था ना, तो पहले नॉर्मल था, ऐसे ही नॉर्मल मिलवाया पीकू को, अल्फा को और कल्लो को। तो भाई जब तीन डॉग हो जावे तो किसी ना किसी के साथ हो गई है। अल्फा और कल्लो ने इसके ऊपर एग्रेशन सा करा, मतलब मजाक मजाक में करा, लेकिन पीकू को लगा कि भाई अल्फा और कल्लो के साथ इसकी झड़प होगी। तो पीकू ने भाई इसके ऊपर एग्रेशन करा, फिर भाई तीनों की और इसकी आपस में तगड़े वाली लड़ाई बजी थी। वो वीडियो भी भाई पड़ी हुई है। पहले रोकी को नारियल दिख रहा, उधर टाइगर जा रहा है ना बार बार नारियल पकड़ने के लिए, लूसी को हमने बांध रखा। तो अब रोकी और पीकू अलग अलग घुमा रहे हैं, एक साथ इन्हें कभी घुमा नहीं सकते। कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे इनकी दोस्ती करवाने की, बट पिटबुल और रोटवीलर अगर आपस में दुश्मन बन जावे तो भाई बहुत मुश्किल हो गया उनकी दोस्ती करना। रोकी पहला दिन है और आज ये पहले दिन हमारे घर जाने वाला है। तो आज ना सबसे पहले इसकी पावर टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई गैंग का खपिटर इसे रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। मेरे हिसाब से रोकी को कोई नहीं रोक पाएगा। सामने से देसी टाइसन भी आ गया, अभी रोकी से मिलवाते हैं इसे। एक बार भी मोहलत मिल गई ना, तुरंत पकड़ लगा रोकी से। गाइस रोकी ने इतनी पावर लगा दी भाई, ये ना संभालने में भी नहीं आ रहा। और आज तो इसका पहला ही दिन है। गाइस ये देख लो भाई साइकिल को कैसे खींच ले जा रहा है। रोकी करना पड़ेगा भाई, गड़बड़ होगी थी वरना इसकी टांग ही तोड़ देता। बराबर बैठ गया। ए रोकी को मैं छोड़ने वाला हूँ। रोकी कम ऑन कम ऑन रोकी कम ऑन कम ऑन रोकी कम ऑन रोकी कम ऑन कम ऑन रोकी कम ऑन। जिसने भी रोकी की पावर टेस्ट करी, किसी का पिछवाड़ा टूट गया, किसी का कुल्ला टूट गया, किसी की कोणी फूट गई, दूसरे का हाथ टूट गया। कहां है दिखाइए भाई, क्या टूटा? इसकी नस देख लो कैसे खड़ी होगी भाई। रोकी को अपने दोस्त बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कि ये मेरी बात नहीं मानता कुछ भी। अभी तो जो इसका मन कर रहा वो ये कर रहा, ना मेरी कोई बात मानना। अगर किसी के साथ इसका पंगा भी हो गया ना, तब भाई रुकने वाला भी नहीं है। आ जा रोकी, पीकू तो बंद होगा। रोकी को पहली बार घर लेके आ गए, लेकिन ये तो पागल सा हो रहा, उतावला सा हो रहा, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा। और अभी ना इसे सबसे ऊपर लेके चलते हैं, अब उल्टा भाग पड़ा करते हैं। इसके ना हाव भाव थोड़े से अलग अलग हो रहे, बार बार कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा। गाइस सबसे ऊपर आ गए रोकी को। यहाँ पे ना फिलहाल के टाइम पे कोई नहीं है, कोई भी डॉग नहीं है, तो यहाँ रोकी आराम से रह लेगा। फिर रोकी को लेके घर आ गए और घर पे भी सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए। यहाँ मैंने रोकी को बांध दिया, अभी तो मैं इसके पास ही बैठा बिल्कुल। बट भाई थोड़ा मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोकी ना अभी मेरे साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, घर से बाहर तो ये फ्रेंडली है। अब ये घर आ गया और घर ये कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो थोड़ी सी इसकी कंडीशन पहचाननी पड़ेगी। पहले तो दोस्ती करनी पड़ेगी इसके साथ बढ़िया से, ताकि मैं इसे खाना पीना रखूं तो ये मेरे ऊपर एग्रेशन ना करे बिल्कुल भी। ये वाली संकल बांध रखी, ये पूरी संकल मजबूत है। धीरे धीरे जब इसके साथ पक्की दोस्ती हो जाएगी ना, तब छोटूंगा खुला। पीकू के सामने तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता, पर आज ही मैंने इसको पीकू से मिलवा दिया ना, क्या पता भाई आज ही जंग हो जावे, दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो जावे। वैसे तो पहले ही दुश्मनी है इनकी, वो वाली वीडियो में तुमने देख भी लिया होगा। इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ना गर्दन पे यहाँ कीड़े पड़े हुए हैं और इसके एक पैर में कीड़े पड़ रहे थे, वो कीड़े तो हमने निकाल दिए थे। और लेकिन इसके ना जो ये मतलब की प्राइवेट पार्ट है, इस पे भी कीड़े पड़े हुए हैं थोड़े, उसको ना आज ट्रीटमेंट करेंगे, इंजेक्शन वगैरह भी लगाओगे। बाकी गाइस इसका लुक वगैरह देख के तुम्हें कैसा लगा और ये सरप्राइज आप लोगों के लिए कैसा था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जब रोकी को घर लेके आए थे, तब पीकू हमने कहाँ बंद कर रखा वो दिखाता हूँ अभी।
पीकू को हमने अपने मिनी जू के अंदर बंद कर रखा, जब तक रोकी घर आया और घर आने के बाद वो ऊपर गया। चलो भाई पीकू। ओ भाई ले ले बगो। ओ व्यू बिंडा कटी हुई है। ओ ले कब आ गया बिंडा व्यू। अब क्या करेगा तू इस बिंडा को? ओ ने सारी की सारी बिंडा यहाँ फेंक दी। ये समझ में नहीं आया ये इसने खिड़ाई क्यों। गाइस अभी टाइम हो गया रोकी को खाना देने का, और गाइस मैंने उसके लिए खाना तैयार करा। जहाँ वो पहले था वहाँ क्या खाना खाता मेरे को कुछ नहीं पता। और गाइस हमारे घर में चिकन वगैरह अंडा वगैरह बिल्कुल नहीं खाने को देते डॉग्स को, और मेरे को पता भी नहीं उसने आज तक खाया कि नहीं खाया। बट जैसे हम घर खाते हैं जैसे अपने डॉग को खाना देते हैं सेम टू सेम ऐसे ही खाना रखूंगा आज उसे। मैं उसके लिए खाना लेके जा रहा और उसका क्या रिएक्शन होगा वो भी देखेंगे। दरवाजा बंद करना बहुत जरूरी है, ये दरवाजा बंद करना इसलिए जरूरी है हो सकता है पीकू ही आ जाओ पर, या हो सकता है लूसी आ जाओ और खाने के टाइम पे उसे डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है भाई वो पकड़ ले। और गाइस आज मैंने उसे पिछली साइड पे रखा हुआ है, मतलब रात को मैं सोच रहा हूँ कि उसे उधर की साइड ही रखूँ। अभी उसके नेचर का बिल्कुल नहीं पता मेरे को, डायरेक्ट उसके पास खाना लेके जा रहे हैं। अभी रोकी भाई देख के हमें पूछ तो हिला रहा, बट थोड़ा सा बस ये डर लग रहा कि कभी अटैक कर दे। दूर से इसे खाना रखूँगा नॉर्मली उसको पूछ काटते हुए। रोकी कोई दिक्कत नहीं है खाना है, आज मैंने इसे खाना रख दिया। और अभी भाई मैं इससे थोड़ा सा दूर हो जाऊँगा क्योंकि अभी मेरे को ये नहीं पता ना कि ये अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये फूड एग्रेसिव है या नहीं है। जब इसके प्राइवेट पार्ट पे भी और मतलब जहाँ जहाँ इसके घाव हो रहा था वहाँ सारी जगह स्प्रे भी लगा दिया। जब इसे बांध के रखा हुआ है लंबी सी चैन है क्योंकि आज इसका पहला दिन है। और गाइस इसी के साथ आज को लोग एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।